कार्तिक रोशन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे हो, घर में सेफ हो, मस्त हो और मेरी वीडियोस भी देख रहे हो। गाइस, अगर आप चाहते हैं आपके बाल, जो बाल पैचेस हैं, आपके बाल झड़ते झड़ते बाल पैचेस आ गए हैं, वहाँ पे रीग्रोथ होना स्टार्ट हो जाए, आपके बाल वापस से आ जाए, वापस से उग जाए आपके, तो ये वीडियो आपके लिए है। वैसे तो ये एक सीरीज की वीडियो है, अगर जो उनको पता है कि ये सीरीज चल रही है, 30 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज की सीरीज चल रही है, उसका ये 19th डे है, 19th डे की वीडियो है ये। बट अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, वीडियो नहीं देख रहे हैं आप, तो ये आपके लिए भी है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, आपका हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा होता है, एक्सट्रीम से भी ज़्यादा होता है हेयर फॉल, तो आपका इस वीडियो से जो मैं रेमेडी बताने वाली हूँ, इससे आपका 100% आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा, हेयर फॉल रिड्यूस हो जाएगा बिल्कुल, अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करें तो। जो मैं रेमेडी बताने वाली हूँ, ये आपने रेगुलर यूज़ करना है, 7 डेज तक आप इसे रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, 2 डेज के लिए इसे स्टोर कर सकते हैं आप फ्रिज में, और जब आपने लगाना हो, अप्लाई करना हो, तो नॉर्मल करने के लिए आप नॉर्मल टेम्परेचर पे रखते हैं, ताकि ये नॉर्मल हो जाए, बाहर निकाल के रखते हैं और इसे अप्लाई करें। देन आपने नॉर्मल वाटर से ही वॉश करना है, और जो आपका 7th डे होगा, 7th डे आप लगाएंगे, तो उस दिन आपने माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर लेना है। ये जो रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ, की जो रूटीन है वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी आपको। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी, मेरी स्टार्टिंग की वीडियो नहीं देखी आपने, तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी और वहाँ पे आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। 30 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज जो है वो भी आप एक्सेप्ट कीजिए और स्टार्ट कीजिए, वहाँ से आप पूरी जर्नी स्टार्ट कीजिए, और फिर देखेंगे आपके 30 डेज के बाद आपके बाल कितने ज़्यादा लंबे, घने, शाइनिंग, सिल्की हो गए हैं एंड साथ में सॉफ्ट हो गए हैं। अगर आपके बाल पैचेस हैं, वहाँ पे आपके रीग्रोथ भी होना स्टार्ट हो जाएगा, छोटे छोटे बेबी हेयर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइस, इस सीरीज में एक स्पेशल बात है कि ये डेली वीडियोस नहीं आएंगी, तो एक रेमेडी ही 4 डेज तक अप्लाई करनी है, इसलिए आपको डेली वीडियोज़ नहीं मिलेंगी, और मैं नहीं चाहती आपको ज़्यादा परेशान करना कि डेली नई नई वीडियोज़ ला के, नई नई वीडियोज़ देख के, नई नई इंग्रेडिएंट्स से वीडियोज़ बना के आपको परेशान करना नहीं चाहती, कि आपको नई नई चीज़ें हमेशा कलेक्ट करना पड़े, आपको अरेंजमेंट करनी पड़े नई नई चीज़ों की, इसलिए एक ही वीडियो, एक ही रेमेडी आपके 4 डेज तक चलेगी, इसलिए आपको डेली वीडियोज़ नहीं मिलेंगी। तो चलिए गाइज, आज की रेमेडी देखते हैं। आज की रेमेडी में आपने क्या करना है, जो मैं बताने वाली हूँ आपको, ये है 3 डेज का, 7 डेज का जो रूटीन है, वीकली रूटीन है, हम वो फॉलो कर रहे हैं। इससे पहले कि आप वीडियो ज़रूर देखें, उससे आपको पूरा रूटीन का पता चल जाएगा। तो ये 19, 20, 21, ये 3 डेज का है ये। अब जो हमारा ये आपने 3 डेज तक ये फॉलो करना है, जो आज की रेमेडी आपको बता रही हूँ मैं। जो अगर आप रेगुलर हेयर वॉश नहीं कर सकते, तो आप अल्टरनेटिव डेज में भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, हेयर वॉश कर सकते हैं। तो जो रेगुलर वॉश कर रहे हैं, जो रेगुलर अप्लाई कर रहे हैं, वो रेगुलर ही अप्लाई करें। 19th को आपने अप्लाई करना है, नॉर्मल वाटर से वॉश करना है। 20th को आपने अप्लाई करना है, तो माइल्ड शैम्पू से आपने हेयर वॉश करना है, ये रेगुलर का हो गया। और अगर आप अल्टरनेटिव डेज में फॉलो कर रहे हैं, तो आपने इसे भी अल्टरनेटिव डेज में ही फॉलो करना है, लगाना है। आपने 19th को लगाया, नॉर्मल वाटर से वॉश करना है, और 20th को आपने स्किप करना है, और 21st को आपने यही रेमेडी लगाना है, सेम रेमेडी, उस दिन आपने माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश करना है। और जो रेगुलर जो यूज़ करते हैं, उनके लिए 21st डे जो है वो फ्री डे होगा, तो आप इंजॉय कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के लिए हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो सबके किचन में अवेलेबल होता है, वो है चाय पत्ती, ब्लैक टी जो है, आप ब्लैक टी ले सकते हैं अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग। मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो है ये, ये देख सकते हैं आप, ये अमरूद के पत्ते हैं, आपको कहीं पे भी किसी भी पार्क में या किसी घर में या कहीं पे भी आपको ये लगे हुए मिल सकते हैं पत्ते हैं। ये अमरूद के पत्ते बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं आपके, अगर फंगस है, इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, अगर आपके बालों में, स्कैल्प में इन्फेक्शन है, अगर डैंड्रफ है, तो उस सबको भी ये बिल्कुल दूर करता है, आपके हेयर फॉल को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। अगर आपके ये जो आप जानते हैं कि रेनी सीजन चल रहा है, जो मानसून चल रहा है, उसमें हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगता है हेयर फॉल, तो उसको हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए, रेनी सीजन के लिए स्पेशली ये काम आता है, स्पेशली ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आपको जितने भी पत्ते मिले उसके आप ले सकते हैं, या तो सकते हैं जितने भी आपकी हेयर लेंथ है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने 8 से 10 पत्ते लिए हैं। इंग्रेडिएंट जो है वो है हमारा ये करी पत्ता, करी लीव्स जो है हम खाते हैं, करी में खाते हैं, कई सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, खाने वाली चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो ये भी आपके बालों को, बाल पैचेस को
बाल पैचेस को रिमूव करता है, वहाँ पे हेयर ग्रोथ इम्प्रूव करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर फॉल कंट्रोल करता है। साथ ही आपके अगर ब्लैक अगर आपके ग्रे शेयर हैं, ग्रे शेयर को भी बिल्कुल रिमूव करता है, प्रिवेंट करता है, वहाँ पे धीरे धीरे ब्लैक हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप इसका ऑयल जानना चाहते हैं अपने ग्रे शेयर के लिए, वाइट शेयर के लिए अगर ऑयल बनाना चाहते हैं, तो जिसके आप प्लेलिस्ट में जाके इसके ऑयल का आप लिंक चेक कर सकते हैं, वीडियो चेक कर सकते हैं और वो भी आप बना सकते हैं। नहीं तो आप अदरवाइज आप ऐसे यूज़ करते हैं तो ये भी आपके जो ग्रे शेयर है उसको भी ब्लैक करने में हेल्प करेगा। तो इसके सारे मैंने पत्ते लिए हैं। नेक्स्ट हम लेंगे ये नीम के पत्ते। जो नीम के पत्ते हैं आपको पता ही है, आपको हर जगह मिल जाएंगे, कहीं पर भी मिल जाएंगे। ये आपको इससे आपके अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है उसे वो रिमूव होगा, अगर आपके फंगस इन्फेक्शन है बालों में, कोई स्कैल्प में इन्फेक्शन है या फिर फंगस की प्रॉब्लम है, जैसे कई फोड़े हो जाते हैं गर्मियों में, फुंसियाँ हो जाती हैं, वो भी रिमूव करता है। अगर आप इसे पीस के स्किन पे भी लगाएंगे तो वो भी आपके जो फोड़े फुंसियाँ होती हैं, घमोरियाँ होती हैं, वो सारी रिमूव हो जाती है और आपके जो डैंड्रफ है वो रिमूव होता है और साथ ही आपके हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। तो ये मैंने पत्ते लिए हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन्ग्रीडियंट है हमारा ये हिबिस्कस लीफ। हिबिस्कस लीफ आपको पता है कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, मैंने कई बार आपको बताया है, कई वीडियो में भी यूज़ किया है कि आपके बालों में अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो, स्कैल्प इचिंग की प्रॉब्लम हो और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, साथ ही आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है जिससे आपके बाल बहुत ही ज़्यादा आपकी हेयर ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है और आपके बाल जो हैं बिल्कुल सिल्की सॉफ्ट स्मूथ हो जाते हैं। और जो अमरूद के पत्ते लिए हैं उससे भी आपके बाल बिल्कुल सिल्की सॉफ्ट हो जाते हैं। आपके पास ये सारे पत्ते ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनमें से अगर आपके पास तीन पत्ते हो, कोई भी थ्री लीव्स हो वो भी आप ले सकते हैं। अगर सारे हों तो वो बेस्ट होगा आपके लिए। सारे आपने इंग्रेडिएंट ले लेना है और इसमें हमने फिर ऐड करना है 2 glasses of water, क्योंकि मैंने पत्ते ज़्यादा लिए हैं अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग। अगर आप कम लेते हैं तो आप 1 glass water ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 glass लिया है क्योंकि ज़्यादा ही इंग्रेडिएंट है और बाकी चीज़ें आपको सारी चीज़ें बिल्कुल ईजिली अवेलेबल होगी घर में या पार्क में या किचन में, कहीं पे भी आपको ईजिली मिल जाएंगी। अब इसे हम बॉयल करेंगे। हमारी ये रेमेडी बिल्कुल बॉयल हो गई और कलर देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंट हो गया है और पानी जो बिल्कुल हाफ हो गया है, जो 2 glass मैंने दिया था 1 glass रह गया है। अब इसे हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब जो हमारी रेमेडी है बिल्कुल ठंडी हो गई है, इसे हम फिल्टर कर लेंगे। इसके कुछ पत्ते जो है मैंने ऑलरेडी निकाल दिए थे ताकि ईजिली फिल्टर हो पाए। कितनी अच्छी रेमेडी हो गई है हमारी, तैयार हो गई है बिल्कुल रेमेडी और इतनी ज़्यादा इफेक्टिव ये रेमेडी है कि आपके बाल 100% फॉल जो है बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा और साथ ही आपके रीग्रोथ होना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस हमारी रेमेडी बिल्कुल रेडी है, देख सकते हैं आप करेंगे। उसके बाद फिर मैं पूरे हेयर को इसमें डिप कर लूंगी। आप चाहे तो स्प्रे बॉटल से भी कर सकते हैं, स्प्रे बॉटल से भी अप्लाई कर सकते हैं, बट स्प्रे बॉटल से मेरे पूरे हेयर पे अच्छे से अप्लाई नहीं होता, इसलिए मैं ये ऐसे कर रही हूँ। टैंगल्स नहीं होंगे तो आपके बाल झड़ेंगे नहीं इजिली, आपके तो इजिली कॉम
इजली अगर कॉम होगा तो आपके बाल झड़ेंगे नहीं, टूटेंगे, और साथ तो ये फिर ऑटोमेटिकली आपके बाल थिक होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो आप रेमेडी यूज़ करेंगे इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से आपके बाल जो डेंसिटी वो इंक्रीज होगी, आपका रीग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा, साथ ही आपकी हेयर ग्रोथ भी डबल हो जाएगी। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैंने 8 इंच बाल अपने काटे थे, 8 इंच बाल अपने काटे थे, तो वो 8 इंच बाल फिर से वापस से बढ़ गए हैं। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि कैसे बढ़े, क्या क्या मैंने यूज़ किया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज में जाके चेक कर सकते हैं, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं वीडियो को। उसमें मैंने सब कुछ बताया है डिटेल में कि मैंने क्या क्या यूज़ किया है और कैसे मेरे जो 8 इंच बाल हैं, कटे हुए बाल मेरे, वो वापस से बढ़ गए हैं। और वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में। और साथ ही अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जितनी भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले होम पेज पे मिलेगी। और गाइस साथ में आपको ध्यान देना है, आपको अपनी डाइट पूरी अच्छी लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, अच्छी नींद लेनी है, अपने 8 आवर्स की एटलीस्ट 8 आवर्स की स्लीप लेनी है अपने, और 8 से 10 गिलास रोज पानी पीना है, अपना पूरा हेल्थ का ध्यान रखना है, तभी आपको ये इंटरनल भी बेनिफिट मिलेगा और जो ये आप रेमेडीज यूज कर रहे हैं उससे एक्सटर्नल बेनिफिट मिलेगा। तो गाइस चलिए अब मैं आपको मिलती हूँ 22nd डे को न्यू वीडियो के साथ एंड न्यू रेमेडी के साथ। टिल देन बाय बाय।